चेन्नई के खिलाफ आज फिर गेल स्टॉर्म देखने को मिला। जी हां, आईपीएल में कमबैक कर रहे क्रिस गेल ने अपने पहले ही मैच में मात्र 33 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। आउट होने से पहले क्रिस गेल पंजाब को वो शुरुआत देकर गए जिसकी उम्मीद किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस केवल क्रिस गेल से ही कर सकते थे। क्रिस गेल 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए, तब पंजाब का स्कोर 127 रन था। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2018 के ऑक्शन में कोई भी टीम क्रिस गेल को अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। उनकी खास वजह थी उनकी खराब फॉर्म, और कई लोग तो उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे थे। आखिर में किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। पहले 2 मैचों में क्रिस गेल को खेलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन चेन्नई के खिलाफ मौका मिलते ही क्रिस गेल ने यूनिवर्सल बॉस होने का सबूत दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2011 के ऑक्शन में भी किसी टीम ने क्रिस गेल को अपनी टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन आरसीबी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने पहले ही मैच में केकेआर के खिलाफ शानदार शतक गढ़ा था। इस बड़े खिलाड़ी को उनकी उम्र और फॉर्म से नहीं आंका जा सकता। ये बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, और ऐसा कई बार उन्होंने करके भी दिखाया। क्रिस गेल ने अपने T20 करियर में सबसे ज्यादा 20 शतक जड़े हैं, और वह ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 में 10,000 रनों का आंकड़ा भी पार किया है। दोस्तों, क्रिस गेल की इस शानदार वापसी पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आईपीएल और क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।